तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास फिर से एनिग्मा है GT450 एंड इसके कुछ खास फीचर्स की हम बात करने वाले हैं, प्लस इसकी टॉप स्पीड भी देखने वाले हैं कि ये स्पीड कितना निकालती है। मतलब अगर आप एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ले रहे हैं तो क्या वो आपको टॉप स्पीड दे सकता है, स्पेशली एनिग्मा GT450 अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो। इसके स्पेशली जो फंक्शंस हैं वो तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं वीडियो में, और किस तरीके से ये गाड़ी का पूरा आपको दिखता है मॉडल वगैरह वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। हेडलाइट की भी हमने बात करी थी, DRLs की बात करी थी। अब यहाँ पर इसका एक खास फीचर है, आप इसको बिना की हेल्प से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिना की हेल्प से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप देखिए, की को मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, मतलब ये होना ज़रूरी है कि ये लॉक पे ना हो, ये अभी ऑफ पे है। और अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, स्टार्ट हो चुकी है ये गाड़ी, और ये इसका पूरा MID आप देख सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है। लाइट्स हम स्टार्ट करते हैं, चाबी अभी नहीं लगाई है, चाबी मेरे हाथों में है। ये आप देखिए इसकी हेडलाइट, ये इसकी DRLs, प्लस इसका जो इंडिकेटर है वो भी फंक्शनल है। ये आप देखिए पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, और आपको गाड़ी में की लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है तो इसमें जो अल्टरनेटर लगा होता है ना, जो करंट वगैरह को सप्लाई करता है बैटरी के थ्रू मोटर में, तो वो इन चीज़ों को करने में हेल्प करता है। तो कोई एक जादू नहीं है, ये नॉर्मली इसका फंक्शन है जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में आता है। आपने रिमोट वाली गाड़ी भी चलाई होगी जो छोटी छोटी आती है 500-600 रुपये की, तो उसमें भी एक रिमोट एक लाइन तक आपका कवर करता है ना गाड़ी की रेंज को, तो वैसे इसके साथ में भी है। यहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हैं। अब लॉक करने पे अगर गाड़ी को कोई भी हिलाता है तो ये ऐसे आवाज़ करती है। ये आप देखो, ये इस तरीके से जब गाड़ी को कोई हार्म पहुंचाना चाहता है तो ऐसे में का ये सायरन करती है। तो अभी तो हमने इस सायरन को बंद कर दिया है। अब मैं आपको इसकी जो टेस्ट राइड है वो दिखाता हूँ कि ये कितना टॉप स्पीड गाड़ी कवर करती है, मतलब कि कितने स्पीड तक जाती है। क्योंकि इसमें जो मोटर लगी हुई है वो आपको यहाँ पर मिलती है पीछे वाले रिम में, आप यहाँ पर मोटर देखिए, और इसमें आपको 3 स्पीड का ये पूरा गियर सेटअप मिलता है। इसको आप ऐसा गियर बोल सकते हैं, या फिर आपको 3 स्पीड का सिस्टम मिलता है। फर्स्ट पे ये बहुत कम स्पीड में चलती है, सेकंड पे और अच्छी स्पीड पकड़ती है, और थर्ड पे इसकी टॉप स्पीड पे चलती है। तो अभी हमने इसके फर्स्ट जो गियर है या फर्स्ट ऑप्शन आप इसका बोल सकते हैं, तो इसमें ये कितनी टॉप स्पीड पर जाती है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो भैया करिए आप एक्सेलरेट फुल। ये फुल एक्सेलरेटर है अभी फुल पे, ये 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आप देख लो 23 है, सेकंड कर दो। अब आप फुल एक्सीलेटर पे, हमने कोई भी एक्सीलेटर को ऊपर नीचे नहीं किया है। 29, 30 है ना, और क्रूज पे भी ये सेट हो गई थी अभी। हाँ, क्रूज पे सेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, इस गाड़ी में भी क्रूज आता है। तो अभी 29, 30 आप समझ सकते हो, क्रूज का भी ये पूरा आ गया है इसमें सिंबल। तो अब हम इसका जो थर्ड वाला राउंड है वो करेंगे इसके थर्ड लीवर से, जिसमें अपना जो थर्ड स्पीड है इसकी हम थर्ड पे सेट कर देंगे, और थर्ड गियर पे ये कितनी तेज चलती है उसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो ये आप थर्ड पे कर दो, फुल एक्सेलरेट, और ये 33 अबव चली गई है, 35, 36, 37, 38 कर रही है। ये भी देखना है कि इसमें हम दो लोग बैठे हैं तो इसलिए 37, 38, मतलब 40-45 तक आराम से जा सकती है अगर कोई सिंगल राइडर इस गाड़ी को चला रहा है तो। बिल्कुल 40 तो अपन मान ही सकते हैं इसमें। ये जी ये सही है, और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, जो इंजन वाली फील है वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, फुल बैटरी वाली गाड़ी है ये। थर्ड पे आप देख सकते हैं कुछ इतनी स्पीड में चल रही है ये, 37, 38 हो रही है, फुल पे कर रखा है हमने। ये आप देखिए, हमने क्रूज इसमें सेट कर दिया है और ये अपनी स्पीड पे चल रहा है 38 पे, कोई एक्सीलेटर हमको दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना क्रूज पे सेट हो चुका है, तो इतने पे अपनी गाड़ी चलती रहेगी। ये इसका खास फीचर है, इसमें क्रूज भी दिया है, जो क्रेटा 10 लाख की क्रेटा में नहीं आता वो इस गाड़ी में है। ये सही फंक्शन है भैया, कितना अच्छा लग रहा है, ईजी। अब इसको दौड़ाने की कोशिश करते हैं, पे गया था अभी थोड़ी देर के लिए। अरे मैं 44 तक ले जा चुका हूँ, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग डली भी हुई है। हाँ तो भैया के चैनल पे देख लेंगे 44 गई थी गाड़ी, हमारे पे तो इतनी जा रही है बस। यहाँ पर आप देखिए 40 पे ये जा चुकी है, 40 पे ये हो चुकी है, 40 मतलब इसकी आप मान सकते हैं टॉप स्पीड 45, और अभी ये 40 पे जा रही है, क्योंकि इसका आप देखिए बैटरी भी इतनी है ना, तो बैटरी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी स्पीड आपको देती है।